दोस्तों पिछले वीडियो में आपां ए ते डी दिता सी आपां नूं जिस तों कुछ प्रश्न आपां हल करके ए पी सीरीज़ बनाया सी ते अज आपां उस तों अगे चलते हैं। अगला प्रश्न, फाइंड सिक्स्थ टर्म ऑफ द ए पी 3, 8, 13। हुण इस विच आपां नूं क्या है सिक्स्थ टर्म मतलब एनथ टर्म आपां जिहड़ी बोली सी भी वह कड़ा गया। मैं तुहानूं जिवें दस्सिया सी ए डी एन अते एनथ जां ए एन टर्म हुंदियां ए एन नूं टी एन भी कहांगे टीथ टर्म ते इहदे विच आपां उही टीथ टर्म जां एनथ टर्म अपनी सिक्स है। ते हुण इस तों आपां जो जो आपां दित्ता है वह कढ के ते इसका आंसर कढांगे। हुण इत्थे की दित्ता आपां नूं सीरीज़ दित्ता है ए पी वाला 3, 8, 13। इस दे विच ए किन्ना है 3, डी किन्ना बनिया 8 - 3 या 13 - 8, 5 ते एन किन्ना दित्ता आपां नंबर ऑफ टर्म्स 6 पर आपां 6वीं टर्म लभनी है ए एन। ते हुण फिर की करना है अपन फार्मूले दे मुताबिक ए एन बराबर है ए प्लस n-1 इंटू डी। सो ए सिक्स किन्ना होगा, एन की कीमत 6 है ना 6, ए एन बराबर है कीमत भर दौ 3 + 6 - 1 तो गुणा डी किन्ना 5। जो इन हल करा तो 6वीं टर्म जो ए सिक्स उसकी कीमत बन जाएगी बराबर 3 + 5 × 5। सो ए सिक्स इज इक्वल टू 3 + 25 बराबर 28। सो 6वीं टर्म जी उन्होंने पूछी है ए पी सीरीज़ 3, 8, 13 की वह हैगी है 28। इस तो अगे करते चलो 3, 5, 5 जोड़ते जाओ, जो 6वीं टर्म पर आवेंगे तो उसका आंसर 28 आएगा। और प्रश्न नंबर 4, विच टर्म ऑफ द ए पी 30, 25, 20, 15 इज -15। हुण इत्थे की कढांगे आपां उही गल, नंबर ऑफ टर्म्स कढना जिस दी कीमत -15 है, मतलब टी एन या ए एन बराबर है -15 आपां नूं दित्ता है ते आपां की करना इत्थों एन कढना है। ते फार्मूला उही लगेगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। इन्हां दीआं कीमतां भरन तों पहलां आपां देख लैंदे अपनियां ए दी वैल्यू किन्नी है 30 ते डी किन्नी है 25 ते उस तों अगां ए कर्म घटता जा रहा है। सो आपां करना की है डी कढ़न वास्ते 25 विच्चों 30 माइनस करने हैं ते 30 क्योंकि वड्डा है इस वास्ते जिहड़ा डी आएगा वह माइनस विच आएगा ते कढ़ना। उस तों बाद एन किन्ना है पता नहीं, वह तो आपां कढ़ना है ते ए एन किन्ना है मतलब एनथ टर्म जो आपां दित्ती है वह है -15। इस तरह ही इन कीमत भर के आप कढ़ा ए एन बराबर है ए प्लस एन -1 इंटू डी तो ये कीमत भरिया तो -15 बराबर है 30 जोड़ एन -1 इंटू -5 डी जो माइनस का -15 बराबर 30 -5 एन ब्रैकट खोल दौ तो माइनस तो माइनस +5। सो इधरों की होएगा हुण 5 एन आपां नूं एन चाहिए है, एन नूं दूजे पासे लैके जाओ बराबर दे ते 15 दूजे पासे उधर चला जाएगा कॉन्सटेंट्स वल ते 5 एन बराबर है 30 जोड़ 5 जोड़ 15 ते जदों इन जोड़ करांगे तां 5 एन बराबर 50 हो जाएगा ते एन बराबर है 50/5 ते बराबर 10। इस वास्ते जो 10th टर्म होएगी 10वीं टर्म उस दी कीमत -15 होएगी। तुसी 5-5 घटाउंदे जाओ तो जो 10वें नंबर पर जाओगे तो आंसर -15 आएगा। ये सी अपना एन कढ़न दा फार्मूला ते तरीका। हुण अगली एग्जाम्पल दे विच आपां देखो, डिटरमिन द ए पी हूज सैकेंड टर्म इज 8 एंड 4th टर्म इज 18। हुण अपने कोल की किया, दो टर्मां देतियां, एक तो दूजी टर्म बराबर 8 देता जां
इनू आप कहेंगे टी टू या ए टू बराबर अठ ते फोर्थ टर्म एन फोर ए फोर बराबर है अठारह देती। हुण करना की है, उन्हें कहा ए पी सीरीज लभो। हुण इहदे वास्ते आपां नूं चाहिए है ए ते डी, क्योंकि आपां नूं ए एन ते एन दिता है ते दो टर्म ए ते डी अपने कोल है नहीं। इतों फिर की करांगे, फार्मूला उ ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हुण पहले विच आपां नूं दस्या ए टू बराबर अठ दे ते इहदा मतलब एन जिहड़ा है वह दो हो गया। दूजे च ए फोर बराबर अठारह, उत्थे एन किन्ना है चार हो गया। तो ये हम आप कीमत भरांगे, पहली बारी ए एन एन की कीमत अठ भर के अठ बराबर है ए प्लस एन की कीमत दो माइनस एक गुणा डी, क्योंकि अपने कोल है नहीं डी। तो हुण इन्ने कि जो हल करांगे तो अठ बराबर है ए जमा दो माइनस एक एक डी रह गया। सो इस आपां इक्वेशन नंबर वन लिख लाँगे ए प्लस डी बराबर है अठ। इस तरह ही जदों एन नंबर चार हो जाएगा तो उसकी वैल्यू उन्हें दी है अठारह। सो अठारह बराबर है ए प्लस हूँ एन की कीमत चार भर के माइनस एक ब्रैकट डी, इतों आएगा अठारह बराबर है ए प्लस थ्री डी। हूँ दो क्वेश्चन बन गई, दो नंबर हो गई। हूँ जो दो आप एक घटा दईए ज माइनस कर दीए, लिखे सबट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू, अठारह चो अठ कटे तो दस आ गए, ए चो ए माइनस किया तो वह खट कटिया गया, तीन डी डी माइनस किया तो दो डी रह गया। सो दो डी बराबर दस दे हो गया, तो डी की कीमत इतों आप कढ लवेंगे कि पांच। तो जे हम डी की कीमत पांच आ गई तो इसनों आप चाहे तो दूजे नंबर की क्वेश्चन भर दौ ज पहले वाली समीकरण भर दो, ए प्लस डी की थान हम पांच लिख दौ। सो अठ बराबर है ए प्लस पांच, तो इतों ए कि आएगा अठ माइनस पांच करके तीन आ गया। हूँ अपने कोल ए भी पता है तीन, तो डी भी पता है पांच, तो हूँ सीरीज लिखने की अपन कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। क्यों? पहली टर्म ए बराबर तीन लिख के उस दे विच डी जोड़ी जाओ पांच बारी, पांच 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 करके पहला तीन दे विच पांच जोड़े अठ, अठ दे विच पांच जोड़ांगे तेरह, तेरह च पांच जोड़े अठारह प्लस पांच तेई प्लस जो मर्जी अगे करते जाओ, तो इस तरह करके आपां ये सीरीज मिल गया। सो कोई भी क्वेश्चन इस तरह करना हुंदा है तां उहदे विच आपां नूं चार चीज़ां की लोड़ हुंदी है, ए डी एन ते ए एन जां टी एन। सो अज दी वीडियो इन्हां प्रश्नां नाल इत्थे खत्म करते हैं। अगली वीडियो विच फिर आपां होर इस तों थोड़े जिहे मुश्किल वल वधदे चलांगे ते प्रश्न हल करते जावांगे। थैंक यू।